नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज खिचड़ी है, हमारे यहाँ खिचड़ी मनाया गया है। और वैसे तो हर मतलब पूरे भारत में हो सकता है खिचड़ी का त्योहार होगा, तो हैप्पी खिचड़ी आप सबको, खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वीडियो हम खिचड़ी के दिन ही शूट कर रहे हैं और ये वीडियो आज जो आप देख रहे हैं, तो ऐसा होता है हमें एक दिन पहले वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं खिचड़ी के दिन तो दोस्तों हमें मतलब ध्यान भी नहीं रहा, उस दिन मैं वीडियो एक दिन पहले बनाई थी, तो मैं वीडियो में इस बारे में बोल भी नहीं पाई, तो इसके लिए क्षमा करना दोस्तों। तो आज मैं खिचड़ी के दिन क्या क्या रेसिपी में बना रही हूँ और क्या बनाई हूँ आप सबको बना के दिखाऊंगी, और क्या हमारे सबकी यहाँ बना के खाते हैं, तो वही सब हम आज रेसिपी बनाए हैं और कुछ रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सभी लोग हाय कर दो, नमस्ते कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं क्या खाए पापा? नमस्ते कर दो सभी लोग। नमस्ते करो अंजलि। नमस्कार दोस्तों, मैं क्या खाए पापा? नमस्कार दोस्तों, हाय टाटा। तो हमारे कई भैया और दीदी पूछे थे कि शीतल चली जाएंगी कि रहेंगी, तो शीतल रुक गई है। जब नाना जाने लगे थे तो बहुत जिद कर रही थी जाने को, तो नाना से ये मतलब नाना से बोल के बोली है कि हम मेला लगेगा, नाना के गांव में मेला लगता है शिवरात्रि का, तो तब जाएंगी। ये नाना से पहले ही तय कर ली है बात अपना। तो बहुत रो रही थी जब नाना जा रहे थे घर। तो दोस्तों, चल रही हूँ मैं बनाती हूँ रेसिपी को। और संजय भैया हमारे पूछे हैं कि ये जाएगी कि रहेगी, तो भैया ये रहेगी, अब देखते हैं ये रुकेगी एक महीना की फिर नाना के साथ चली जाएगी, नाना तो आते जाते रहते हैं। तो हम कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई में तेल डाल देते हैं और गैस को भी जला दिए हैं। तो ये सरसों का तेल है। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है और अब हम पूरी को डाल देते हैं और पहले पूरी बनाएंगे, फिर उसके बाद में और रेसिपी को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी किस तरह बननी है, फूली फूली सी। तो इसी तरह हम सभी पूरी को बना लेते हैं और एक एक करके पूरी बनाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में तेल कम है तो ज्यादा पूरी हम नहीं छान सकते, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हम एक एक पूरी करके तल लेते हैं। तो हम पूरी को पलट देते हैं, तो इसी तरह हमें सब पूरी हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह फूला फूला सा बन रहा है। तो दोस्तों, हम पूरी बना रहे हैं और अंजलि देख रही है। तो अंजलि, क्या बन रहा है? पूरी। पूरी बन रहा है, तो आज बहुत दिन के बाद पूरी बन रहा है दोस्तों इनकी अंजलि के। तो गुंजन बोल रही है कि मम्मी लाओ पूरी हम बेले, तो थोड़ा गुंजन को बेलने देते हैं और ये बनाती है, कभी कभी बेल लेती है। और गुंजन को अच्छा लगता है पूरी बेलने में, ये कभी कभी रोटी बनाती हूँ तो बोलती है मम्मी लाओ थोड़ा मैं बेलूं कि सही से बनता है कि नहीं। तो दिखाओ गुंजन, सभी दीदी को दिखाओ किस तरह बेली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह गुंजन बेली है पूरी को। अब रहने दो गुंजन है। अब तो पूरी सभी बना लिए हैं और एक ही पूरी बची है, तो इसको भी छान लेते हैं। तो दोस्तों, पूरी बन चुका है और ये हम सब्जी के लिए तड़के काट के रखे हैं, प्याज है और मिर्चा है, तो डाल देते हैं तेल में।
ये हमने आलू और ये गोभी उबाल के और मटर का दाना रख लिए हैं। और दोस्तों हमारे पास टमाटर नहीं था तो हम टमाटर नहीं डाले हैं। तो चलती हूँ मैं सब्जी को तल लेती हूँ। तो हम सब्जी को डाल देते हैं। तड़का हमारा एकदम फ्राई हो चुका है। तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से और सूखी सब्जी ही बनाएंगे हम, पानी नहीं डालेंगे। तो हम एक चम्मच सभी मिक्स मसाले डाल देते हैं। आज सब्जी थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा हम आधा चम्मच और मसाला डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। साथ में मसाला भी पक जाएगा। और अब डालेंगे हम नमक इसमें। तो हम एक चम्मच नमक डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से चला देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। सब्जी को ढक देते हैं और धीमी आंच में पका लेते हैं सिर्फ 2 मिनट। तो हम धनिया की पत्ती लिए हैं और अब हम धनिया की पत्ती को काट देते हैं और सब्जी में डाल देते हैं। सब्जी बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो पूरी सब्जी हमने बना के तैयार कर लिया है और साथ में खिचड़ी भी बनाए हैं और गैस को तो बंद कर दिए हैं दोस्तों। तो ये हम खिचड़ी बना के रखे हैं दोस्तों और गीला खिचड़ी ज्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि गीला अच्छा नहीं लगता है। ये चंदन के पापा बोले थे ज्यादा गीला नहीं बनाना है तो हम सूखा ही थोड़ा बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें गानी मिलाए हैं और ये उड़द दाल का और चावल का खिचड़ी है। तो हम सब्जी भी निकाल देते हैं और बच्चे जा रहे हैं खाने। तो दोस्तों ये माठा है और दही भी थोड़ा इसमें मिलाया गया है। तो मैं एक दीदी के घर से लाई हूँ और गांव का दही आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह है। तो इसमें मट्ठा भी मिलाया गया है जिसमें घी निकाल लिया जाता है वही। तो मट्ठा दही दोनों साथ में है। तो दोस्तों हम खाना निकाल चुके हैं और बच्चे सभी खाने जा रहे हैं और अंजलि भी खाने जा रही है। तो दही सबका दे दी हूँ। तो आप सब भी आकर खा लीजिए जो हमारे यहाँ खिचड़ी के दिन बनता है और कई प्रकार का बनता है दोस्तों। तो जो हमारे पास सामान था मौजूद मैं वही बनाई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब भी आकर खा लीजिए। तो हमारे घर इतना अच्छा खाना बना है। तो दोस्तों आज बोल रहे हैं चंदन कि हमारे घर अच्छा खाना बना है। तो खिचड़ी और पूरी सब्जी और दही है। तो अंजलि खाना कैसे बना है? अच्छा बना है। और चांदनी? अच्छा बना है। अच्छा बना है। तो गुंजन थोड़ा अंधेरे में ही हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो थोड़ा दोस्तों उधर अंधेरा आ रहा है, कैमरा में साफ गुंजन नहीं दिख रही है। तो सभी बच्चे खा रही हैं और इनके पापा काम पे गए हैं। तो थोड़ा काम था 1 घंटे के लिए तो वो चला गए हैं, घर पे नहीं है, नहीं तो मैं आप सबको जरूर दिखाती। तो ये सब खा रहे हैं और चंदन तो बहुत जल्दी में पड़े हैं कि वीडियो शूट करना है, चलते हैं। तो धीरे खाओ चंदन। और सब्जी चावल खिचड़ी सब उसमें और दही भी सारा उसी में मिला के खा रहे हैं चंदन। तो अच्छा लगता है चंदन ऐसे में खाने से। तो दही और खिचड़ी नहीं खा रहे हैं, सब्जी भी उसमें मिला लिए हैं। तो अंजलि अपना खाओ, चंदन को देख रही हैं अंजलि कि किस तरह चंदन खा रहे हैं।
खाओ। तो चंदन खा चुके हैं दोस्तों, वो चले गए हैं वहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम फेक आईडी बन गया है, तो जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो वही हमारे मतलब इंस्टाग्राम का लिंक है, और ईमेल आईडी भी उसमें मतलब ईमेल दिया होगा दोस्तों, आईडी में भूल गई बोलने में, तो वही फॉलो करना दोस्तों। और आप सबको ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।